दोस्तों तारीख में पहली दफा पाकिस्तान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के लिए पहुंच गई थी। दोस्तों इस बात पर बाबर मोहम्मद रिजवान, इफ्तखार अहमद शादाब और साथ ही साथ फखर जमान ने भी सजदा शुक्र अदा किया। दोस्तों इंडिया की सोइल पर पाकिस्तान का पहला ये प्रैक्टिस सेशन है। तकरीबन 8 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को इंडिया की सोइल पर खेले हुए। पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए ये चैलेंजिंग होगा वर्ल्ड कप। दोस्तों पाकिस्तान का इंडिया में आते ही इंडिया की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल पाकिस्तान को दिल मोह गया। हर तरफ यही चर्चे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा करेगा, इवन कि इंडिया वाले भी पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों आपको एक और अंदर की खबर दे दूं, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4000 से लेकर 40000 तक सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पहले इसकी सिक्योरिटी 4000 थी, अब इसको 4000 को 40000 बढ़ा के कर दी गई है। पाकिस्तान की मैच प्रैक्टिस सेशन के लिए सिक्योरिटी की है, खदशात बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 12 रबीउल अव्वल की वजह से ये सिक्योरिटी ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि जुलूस वगैरह निकलेंगे। पाकिस्तान कल अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच 12:30 से ब्राह रास्त देखा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वर्ल्ड कप को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके